मानोगे मेरी नज़र पता है उस हेलमेट पे गई। हम कहेगा भाई ओरिजिनल है, कहीं से भी कॉपी नहीं है, आप लोगों को दिखाओ। अरे मतले राजमा चावल कैंसिल कर दिया के बड़े होने के तो दोस्तों फर्स्ट बर्थडे पे हमने दिया था, तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। देख सकते हो कितनी बड़ी क्या ये मी। वाह ऐसे कर दे ऐसे। लव यू क्या तू गिनना नहीं। आई लव यू ये ये है दो पूछी कर दे मामू को पूछ क्या पापा का काफी ज्यादा थक। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप सोच रहे हो कि मैं रोड पे क्या कर रहा हूँ, तो आज है मेरी छुट्टी और मैं जा रहा हूँ आज परू से मिलने। पहले मुझे ऑफिस में अपने दोस्त से मिलना था, थोड़ा काम था, वो काम मैंने खत्म कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ परू से मिलने के लिए। बहुत टाइम से वो भी शादी वादी में बिजी थे, इधर उधर जा रहे थे, अब वो घर पे आ चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, तो मैं भी फ्री था, मैं सोचा मैं भी परू से मिल लूँ। तो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ परू से मिलने के लिए और आप लोग ब्लॉग में बने रहे, क्योंकि मैंने बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, सिर्फ जीजा को पता है, तो परू को सरप्राइज देते हैं जाके और देखता हूँ परू क्या कर रही है। तो आप लोग भी बस ब्लॉग में बने रहे। और ये आप देख सकते हैं अभी मैं ये नेहरू प्लेस के पास हूँ और दिल्ली का वेदर आप देख ही रहे हो, कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। मतलब छी यार क्या बोलूँ, फरवरी में यार इतनी ठंड होती थी और मार्च तक तो होली तक रहती थी और होली में भी लोग सोचते थे पानी डाले नहीं डाले, पर अब तो फरवरी में इतनी गर्मी लग रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। और धूप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी ना मैं अपने हेलमेट का शीशा लेने आया था, तो शीशे में ना काफ़ी निशान आ रहे हैं, तो लेकिन अभी वो ना यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि रोड पर देखा था यहाँ पर देखो और बहुत अच्छे अच्छे हेलमेट है भाई। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि भाई यहाँ नेहरू प्लेस की रोड पे ही ऐसे हेलमेट रखे हुए हैं भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, शोरूम के हेलमेट यहाँ रखे हुए हैं। दोस्तों देखो ये नेहरू प्लेस से आते हुए यहाँ पे ये हेलमेट की शॉप है, और भाई अब यकीन नहीं मानोगे मेरी नज़र पता है उस हेलमेट पर गई, वो 5-6 हज़ार का हेलमेट भाई यहाँ पर रोड पर रखा हुआ है भाई, मतलब क्या बोलूँ। और जो चीज़ शोरूम की चीज़ है और यहाँ पर मिल रहा है भाई, कोई भी भाई ये जीके के आसपास है, नेहरू प्लेस के आसपास है भाई, यहाँ से आओ देखो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि भाई दुकान वाले तो देते भी नहीं जल्दी, यहाँ पे तो फिर भी डिस्काउंट हो जाएगा। और भाई यकीन नहीं हो रहा ये शोरूम वाला माल भाई यार रोड पे है भाई। यार वो हेलमेट लेके आना भाई ब्लैक वाला, मैं भी आपको दिखाता हूँ, वो SMK का है और ओरिजिनल है भाई वो हेलमेट, वो लोकल नहीं है भाई। ये देखो तो भाई लेके आ रहे हैं। अंकल इतना महंगा हेलमेट आपने रोड पर रखा हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं हैरान हो गया अंकल आपने ये शोरूम वाला माल रखा हुआ है इधर। हाँ हाँ मतलब बिकता है, इतना महंगा ये 5-6 हज़ार का हेलमेट लेके बैठे हो आप भाई। देखो ये SMK का भाई ओरिजिनल है, ये कहीं से भी कॉपी नहीं है, आप लोगों को दिखाओ, अगर जो हेलमेट की नॉलेज रखता होगा उसे पता ही ओरिजिनल हेलमेट है। देखो हाँ मैं खुद शौक हूँ, मैं तो शीशा लेने आया था, पर देखो दोस्तों वो नेहरू प्लेस से आते हुए है, उधर से जो भी आएगा, और ये GK2 की लाइन पे हूँ मैं और उधर GK1 है, और भाई ये शॉप बिल्कुल मेन रोड पे है। ये देखो दोस्तों डबल वाइजर के साथ है, ये इसमें सनग्लास भी लगा हुआ है और इसमें ना एंटी फॉग भी वो लगा हुआ है, फिल्म अंदर से आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे है। और भाई ये मतलब रोड पे भाई 5-6 हज़ार का हेलमेट आपको यहाँ मिल रहा है। तो भाई जो भी बंदे नॉर्मली शोरूम में जाके जो ले नहीं पाते हैं ना और वो रेट कम भी नहीं करते भाई, वो यहाँ आ जाना, कुछ तो डिस्काउंट यहाँ मिल ही जाएगा। क्यों दोस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। हाँ क्योंकि देखो दोस्तों इनका क्या है ना, कस्टमर खुश भी हो जाए और उनको उनकी चीज़ भी मिल जाए। पर मैंने ना खुद से ना टैक्सोर का लिया था, मेरे से भाई 50 रुपये कम तक नहीं किए भाई, पर क्या ही नहीं मुझे लेना था मैं ले लिया। मुझे पहले पता होता भाई मैं खुद यहाँ से ले जाता भाई हेलमेट, मैं क्या बोलूँ यार भाई यार शॉक कर दिया रोड पर भाई ऐसे में रखा है। थैंक यू भाई आपसे बात करके अच्छा लगा यार। और ये इनके ये कौन है आपके, अच्छा ये पापा हैं, अरे वाह दोनों बाप बेटे हैं। और देखो यहाँ पे इनकी शॉप है, और देखो भाई बहुत अच्छे हेलमेट है भाई, सारे जेन्युइन हेलमेट है, कोई भी लोकल नहीं है दोस्तों। तो यार कोई भी इस साइड से आए ना तो वो यहाँ से ले सकता है यार। पेरा ग्लास को मिला नहीं, पर जो दिखा वो एक शॉक्स ही है, पर लेकिन जो भी भाई इस साइड से गुजरते हैं ना, चाहे मेरे दोस्त भी क्यों ना हो जिन्हें हेलमेट चाहिए हो, मेरा एक फ्रेंड भी कह रहा था वो इधर ही रहता है, तो भाई वो ध्यान से देख ले इस जगह को, क्योंकि यहाँ पे वो जैसा चाहे वैसा हेलमेट मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे आओ और अपनी पसंद से बढ़िया सा हेलमेट ले जाओ भाई। तो दोस्तों मैं अभी पहुँच चुका हूँ विराट, और ये देखो आज विराट पे लगी है यहाँ पे मार्केट, और ये है विराट। आज फ्राइडे को शायद यहाँ पे बाजार लगता है, मैं तो फिलहाल यहाँ पे राजमा चावल ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जीजा की फरमाइश है राजमा चावल खाने, और भाई पूरा एक चक्कर लगा लिया, राजमा चावल नहीं मिल रहे, अभी थोड़ा आगे जाके देखता हूँ भाई। मेरे ना जीजा की फरमाइशी ख़त्म नहीं हो रही भाई, पहले बोला राजमा चावल खाने भाई, मैं राजमा चावल के लिए पूरा विराट घूम गया गोल गोल, और वहाँ बाजार लग रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है।
और आप उन्होंने बोल दिया रहने दे मत ले, राजमा चावल कैंसिल कर दिया और फिर बोला एक काम कर चिकन लेके आ जा, आप तो चिकन ले ले भाई। फिर चिकन के लिए भाई यहाँ तक आ गया हूँ, अब यहाँ से चिकन लेके भाई अब मैं जा रहा हूँ। और सच बताऊँ तो बहुत डर लग रहा है भाई, क्योंकि ना छोटे छोटे बालक है भाई, गुब्बारे लेके घूम रहे हैं भाई, बहुत डर लग रहा है, सबको मार रहे हैं, मुझे ना बिगा दे, तो बहुत टेंशन हो रही है। और फिलहाल तो मैंने चिकन ले लिया, फटाक से मैं पहुँचूँ घर पे, क्योंकि भाई मैं ना बहुत लेट हो गया हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने जीजा के घर पे, और ना भाई ऐसे लेट के जो मजा आ रहा है ना, हाँ क्या बताऊँ, कितना आराम मिल रहा है भाई। मेरे को इतना परेशान कर दिया ना मेरे जीजा ने, पहले राजमा चावल खा रहा था, फिर उसके बाद बोल दिया चिकन लिया, मतलब देखो यार और भाई इनके वहाँ लग रहा है आज बाजार, और इतनी दिक्कत हो रही है भाई, इतना भीड़ हो रही है वहाँ पे। दो तो चक्कर मैंने विराट के लगा लिया राजमा चावल के चक्कर में, फिर बाद में जैसे ही मिला तब फोन आ गया, बोले कि रहन दे अब चिकन लिया, फिर उसको छोड़ के भी चिकन वाले के पास गया, और उस भाई ने भी इतना टाइम लगा दिया ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये है मेरे जीजा, ये है नवाब जीजा, देख रहे हो। और भाई घर में ना कपड़े धो के तो गोभी घाट बना रखा, पूरे घर को स्विमिंग पूल बना रखा भाई, कहीं तो मतलब कोने तक पानी जा रहा है, ठीक है। और मेरे लिए कबाब रखे हैं जीजा ने, क्योंकि इन्हें पता है मेरे को अच्छे लगते हैं। तो देखो भाई मतलब गर्मा गर्म मटन कबाब बहुत टेस्टी लगते हैं भाई मेरे को, तो ये ऐसे गर्मा गर्म कबाब देख के सारी थकान खत्म हो जाती है। फिलहाल मैं इसे खाता हूँ ताकि ठंडा ना हो जाए। ये हमने परू को दिया था उसके बर्थडे पे, तो देखो कितना अच्छा है, इसमें हमारी परू है पूरे छोटे से लेके बड़े होने के, मतलब तो फर्स्ट बर्थडे पे ही हमने दिया था, तो देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरी प्यारी परू। भाई ये ना मेरे जीजा ना चिकन मंगा के ना मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहते मेरे फ्रेंड ने मुझे खिलाया और देखो ट्राई नहीं किया बना के, लेकिन मेरे ऊपर ट्राई किया जा रहा है ये, और देखो पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि भाई साहब शेफ साहब तो हमारे पास खतरनाक ही हो रहे हैं। हाँ जी क्या बोलते हैं इसको, लेमन चिकन, ये लेमन चिकन में लेमन कितना डाला है, दो तो पता नहीं इसको खा के अभी देखते कैसा बनता है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ परु से मिलने, तो ये है दोस्तों हमारी परु, बोल दे हेलो, बोले हेलो बोल, उधर कैमरे पे देख हेलो बोल। ओहो तो भाई अभी इसको चीज़ दिला के ले जा रहा हूँ, अरे सोई हुई थी बड़ी मुझे से इसको उठा के लाया हूँ नीचे, और अब हमारी परु का आप देख सकते हो, थोड़ी बड़ी हो गई ना, कौन कौन मानता थोड़ी बड़ी हो गई तो कमेंट करके बताना, है ना बड़ी हो गई है, देख हेलो बोल दे, हेलो हेलो बोल दे, हेलो हेलो बोल दे, जल्दी बता परू, बता क्या क्या लिया तुमने, दिखा दे वहाँ पे बस इतना, अभी बड़े को डांट पड़ेगी, बोले लॉलीपॉप ले। तो ये है हमारी हीरोइन परू, देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई, पूछी गए थे मामा को, पूछी गए थे हाँ क्या खा रहा है परू, क्या ये आई लव यू बोलो, बोलो पापा, बड़ी मुश्किल से लाया मैं छोटा के, मैंने बिस्तर में से बाहर नहीं आ रही थी। ओ ये परु ने डांस किया था शादी में, कैसे किया था मेरे को बता, पापा बोल दे परु डांस कैसे किया था, डांस सिखा दे डांस कैसे किया मेरे को भी बता दे, डांस कैसे किया था, कैसे किया था परु, परु डांस कैसे किया था, डांस कैसे किया था बता दे मेरे को भी, मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे को भी बता दे, बता दे। हाँ यम्मी यम्मी वाह, ऐसे कर दे ऐसे, यम्मी ऐसे कर दे यम्मी, नानू को बोल दे, नानू नानू आई लव यू बोल, नानू परु परु बोल, नानू बोल, नानू आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोले, नानू आई लव यू, आई लव यू, क्या गिनना नहीं, अरे मेरा बाबा बोले नानू को आई लव यू, बोले नानू, बोले नानू आई लव यू, ये है दोस्तों हमारे प्यारा छप्परू, देखो अब पहले से थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, है ना।
कुछ मोटी नहीं हो गई है, बड़ी हो गई थोड़ा सा, लेकिन और शर्मिली भी हो गए भाई। मेरे को देख के तो कंबल में से बाहर ही नहीं आ रही थी, मतलब इतनी शर्म आ रही थी मामा से। और पीठ पीछे कह दी मामा गंदा मामा, मैंने पीछे से सुन लिया। कुछ ही कहते मामू को कुछ और अच्छा है, और अच्छा है, और मामा मामा भी अच्छा है। अब वहाँ कब आएगी ना पापा का, क्या पापा का तो ये है हमारी प्यारी परू दोस्तों, देख सकते हो आप कितनी क्यूट सी है। चलो दोस्तों मेरा जाने का अब टाइम हो गया, क्योंकि भाई मैं लेट भी हो गया हूँ और घर पे पहुँचना है टाइम से। और परू कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, और पहले से थोड़ी बड़ी हो गई ना तो आप लोग बताना मेरे को, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से इसको वीडियो में देखा हुआ है। और इधर जीव देख सकते हैं, तो हम तीनों मस्ती कर रहे हैं बहुत देर, हमने बड़ी मुश्किल से मैं उठा के लाया हूँ, पर अब जाने का टाइम भी हो गया है, वरना मैं बहुत खेलता, पर बिस्तर से बाहर नहीं आ रही थी मैडम, पर अब मैं इसको लेके आया मार्केट ले गया। और अब चलो ये लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे और मैं भी टाइम से घर पहुँचता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे घर जाके। तब तक इन सभी को यहीं पे टाटा बोल के मैं निकल रहा हूँ दोस्तों, तो चलो मैं आपसे मिलूंगा फिर घर पे, तो बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, टाटा कर दो। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अब घर पहुँच चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ आज यार, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई है मेरी। आते समय तो भाई वहाँ फ्राइडे का आज बाजार लगा हुआ था, और इतना ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ हो रही थी ना, मतलब बहुत मुश्किल से बाहर निकला भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वो मेन रोड पे ही लग जाता है जो कि नॉर्मली आने जाने का रास्ता है, तो नॉर्मल डे में भी इतना बिजी रहता है, और रात को बाजार लगा था तो और ज़्यादा बिजी था, तो बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा हूँ। घर पहुँच के मिली है गर्मा गर्म कॉफ़ी, तो यार इसे पी के थोड़ा थकान खत्म हो गई है। और मैं दिखाता हूँ फंतरू क्या कर रही है आपको, यहाँ पे है मेरी फंतरू, देखो कैसे खेल रही है, और आज मेरे को घूरे जा रही है, पता नहीं क्या ये सोच रही होगी, आज मेरा ड्यूटी से जल्दी कैसे आ गया, यही सोचती रहती है ये है, इसलिए क्योंकि भाई जब मैं घर पे होता तो खेलती नहीं, फिर ये चुपचाप लेटी रहती है, तो वो शरीफ बन जाती है मेरे घर होने पे, और जब मैं घर पे नहीं होता तो सबको परेशान करती है, ये सबको हैं देखा है अभी बोल रही है ना, परेशान करती है तू सबको, करती है ना तू, मेरे को पता है तेरे बारे में, तू सबको परेशान करती है, नहीं अच्छा सॉरी नहीं करती, नहीं करती भाई नहीं करती, बहुत प्यारी मेरी फुंतरू, किसी को परेशान नहीं करती मेरा बाबू। मम्मी वहाँ पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रही है, और हमने बनाए हैं ये पॉपकॉर्न, देखो इसे बना के लाए हैं, तो ये दोनों ले रहे हैं पॉपकॉर्न के मजे। पापा गए हैं अभी बाहर, फुंतरू है हमारी यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबको हेलो बोल रही है, सबको हेलो बोल दो, हेलो हेलो एवरीवन, हाँ ऐसी सब बात, रोना नहीं, हाँ ऐसे रोते नहीं, बहुत लोग देखते ना, हाँ गंदी बात भाई। उसका ना मूड ना थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि फ़ोन देखते हैं ना भाई साहब वो स्टार्ट हो जाती है, अरे आजकल के बच्चों को ना फ़ोन लेने की ज़्यादा जल्दी रहती है, और वैसे कुछ भी दोस्त नहीं चाहिए, लेकिन फ़ोन देखेगी ना तो भाई उसकी तरह लपकने लगती है, तो मैं इसको फ़ोन से दूर रखता हूँ फिलहाल, तो इसलिए दोस्तों अभी इसको ऐसे रख देता हूँ, देखो फ़ोन में इधर लिया है तो चुप हो गए, कुछ बोल भी नहीं रहे, पास ज़्यादा फ़ोन लेके तो भाई मतलब ऐसे झटपटाने लग गए जैसे फ़ोन चाहिए उसको, तो ऐसे होते हैं आजकल के बच्चे में, बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं भाई ये। तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, और भाई यार ये शुरू हो गई यार, ये मेरे को बोलने ही नहीं दे रही है, मतलब पता नहीं भाई, अब लगता फ़ोन लेकर ही मारेगी, तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक करें, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, मैं इसको संभालता हूँ क्योंकि भाई ये ज़्यादा तेज होने लगे हैं, तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को दोस्तों टाटा।